आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं, वहीं पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर देहात जिले में स्थित उनके पैतृक गांव पौरख पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे आना है, तब से मैं आकर गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी बात की, साथ ही बताया कि परिवारवाद ने हर क्षेत्र का गला घोटा है। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश एक मजबूत विपक्ष रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित किया। इन्वेस्टर्स समिट में सीएम योगी ने प्रदेश में नए रोजगार के अवसरों को लेकर बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2.9% हुई है। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिश से यह कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख से 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की, और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। गाजियाबाद में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया और सड़कों से अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई की, और इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाले फैक्ट्री ने भी अपना सामान फैक्ट्री के बाहर रखा हुआ था, जिसके कारण जाम और अन्य समस्याएं हो रही थी। इसी वजह से पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की और 20,000 का जुर्माना भी लगाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगातार कई दिनों से अभियान चल रहा है, और आज यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तय था पूरा, और NH24 से लेकर के हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी सामान रखा है। इनको भी 20,000 रुपये जुर्माना करके 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूलों के लिए बनाई गई करोड़ों की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, जिस पर सुध लेने वाला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। बनी बिल्डिंग में आवारा जानवर अपना आशियाना बना रहे हैं, तो उसके दरवाजे और खिड़कियां चोर चोरी करके ले जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ बोलने से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मिल एरिया थाने के पीछे खोर में करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनी हुई है। लखनऊ के मलिहाबाद में एक हफ्ते पहले हर्ष फायरिंग में एक महिला घायल हो गई थी। वो मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दूसरी बार रसूलपुर गांव में एक गोलीकांड में एक और की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मलिहाबाद क्षेत्र में रसूलपुर नामक गाँव है, उसमें एक चैनू नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पे वहाँ पे जाया गया तो बताया गया कि गाँव में ही एक अन्य व्यक्ति विमलेश नाम का व्यक्ति है, विमलेश उर्फ राखा, उसको अपनी पत्नी का चैनू से किसी इलिसिट रिलेशनशिप की संदेह था, उसी के आधार पर उसने उसकी हत्या की है। ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए तहरीर का इंतजार किया जा रहा है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मिल
बुलंदशहर में खाद्य विभाग के गोदाम में रखा गरीबों का सरकारी राशन विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। और जो अब इस विषय में अधिकारियों से कैमरे पर बोलने को कहा गया तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि इस विषय में उच्च अधिकारी जानकारी देंगे, लेकिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदारों की लापरवाही से गरीबों का राशन कचरे में तब्दील हो रहा है। ये अभी संज्ञान में आया है कि FCI गोदाम जो खुर्जा वाला है वहाँ पे रिफाइंड के कुछ फटे हुए थैले मिले हैं, और अभी मेरी उससे भी बात हुई है मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जैसे रिफाइंड का जो मामला है उसमें तो उन्होंने लीकेज की रिपोर्ट दे रखी है, उसको आम जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा चना और सॉल्ट नमक का भी आपके द्वारा बताया गया है, तो उसका अब मैं जांच कर रही हूँ कि कहाँ से इनमें क्यों ऐसा हुआ है कि ये ऐसे फैले हुए मिले हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि बंदर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने भी बताया है कि उसके लिए उसने कई बार कार्रवाई भी की है, लेकिन वहाँ पर वो पूरा क्योंकि बाउंड्री के पास बंदर काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से वो दिक्कत क्रिएट करते हैं गोदाम में। तो इसकी मैं पूर्ण जाँच करके आप लोगों को इसके बारे में मैं इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि दौरे में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने सभी को अवगत कराते हुए बताया कि अगर बंदूक के लाइसेंस का UIA नंबर जनरेट नहीं हुआ तो थाने में बंदूक को जमा करना पड़ेगा, साथ ही बिना UIN जनरेटर हुए बंदूक रखना अवैध माना जाएगा। ग्राम तेंदुही और विकास खंड बेतालपुर जनपद देवरिया में राष्ट्रीय स्वराज अभियान के अंतर्गत जो पंचायत भवन और सचिवालय बनना है उसमें एक डिज़ाइन भारत सरकार से और राज्य सरकार से तय है, और उसमें 8 कमरों का प्रावधान है ताकि उसमें BC सखी, बीट कांस्टेबल, लेखपाल वगैरह बैठ सकें। उस डिज़ाइन को स्थानीय लेवल पर बिना किसी अनुमति के बदल लिया गया है और 18 लाख रुपए में काफ़ी घटिया किस्म का काम किया गया है जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो शौचालय बना है उसको कम्प्लीट तक नहीं किया गया है, उसको अवैध प्रकार से कंप्लीट दिखा दिया गया है, जियोटैग दिखा दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि सरकारी धन की बंदरबांट की गई है इसमें। बुलंदशहर से जहां शिकारपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को चोरी की बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है, साथ ही गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 5 बाइक और अवैध असलाह कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि शिकारपुर CO अविंता उपाध्याय ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा किया। 2022 को शिकारपुर पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान उन्हें 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, उनको रोक के उनकी चेकिंग करी गई, तो उनसे 2 अवैध तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुई। उनकी मोटरसाइकिल की चेकिंग करी तो वो चोरी की पाई गई, और जांच पड़ताल करने पे उनके कब्जे से हमको 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, और कुछ मोटरसाइकिल के तो इन्होंने चेसिस नंबर भी रगड़कर चेंज कर दिए गए हैं, और इनसे और पूछताछ करी जा रही है, और जो संबंधित व्यक्ति हैं इनके गैंग में उनकी तलाश जारी करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां अक्सर सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी और महंगी बाइक पर स्टंट करते हुए युवकों के वीडियो वायरल होते हैं। वहीं एक बार फिर शख्स ई रिक्शा पर स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। वह स्टंट के दौरान ई रिक्शा में बैठी सवारियों का कहना है कि इस तरीके के स्टंट से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां वीडियो में कुछ लोग 2 लोगों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया जा रहा है, जबकि पीड़ित बार बार उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है और खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन आरोपी कानून को हाथ में लेकर पीड़ित को 3rd degree टॉर्चर देते हुए चोरी के किसी मामले में पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। करीबन मुझे 9 बजे सूचना मिली 9:30 बजे के आसपास में कि हिंदू रक्षा दल के कुछ लड़कों ने एक 14-15 साल की लड़की है सानिया और ये गुड्डू उसका भाई, एक उसका 10 साल का छोटा भाई, ये तीनों लोग अपने मकान के पीछे टहल रहे थे शालीमार सिटी के कच्चे रास्ते पे, तो वहाँ पर कुछ हिंदू रक्षा दल के लड़के आए, उन्होंने इनका नाम वगैरह पूछा और नाम पूछने के बाद में इनके साथ में मारपीट करी, इनसे जो है असामाजिक जो है नारे लगाने के लिए गए, इन्होंने जब मना करा तो लड़की के साथ में छेड़खानी की गई, उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करी गई। जब ये तहरीर पीड़ित परिवार चौकी पर आके देता है
तो इंस्पेक्टर और चौक की इंचार्ज हम पर दबाव बनाता है कि तुम आप लोग यहाँ जातिवादी कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम करवा दो, यहाँ पे हम आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखेंगे। पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही, दो तहरीर रात इंस्पेक्टर ने बदली है, दोनों तहरीर मेरे पास है फोन के अंदर। बताइए, मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने पुलिस लाइन में आगमन पर डीएम दीपा रंजन को बुके भेंट कर स्वागत किया और अभिवादन किया, और डीएम ने महिला पुलिसकर्मियों को अपनी अपनी बीट में जाकर मिशन शक्ति और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। अलीगढ़ में 2 जून को टीवी पत्रकार पर गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। वहीं घटना में इस्तेमाल बाइक पहले ही बरामद कर ली गई थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। पत्रकार की हालत में अब खतरे से बाहर है। यह जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार मुकेश गुप्ता पर हमला करने वाले जो स्थानीय आढ़ती है उसी मंडी क्षेत्र का, जिसका नाम राहुल प्रताप सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह है, जो कि निवासी प्रधुमन विहार संजय गांधी कॉलोनी थाना क्वारसी का रहने वाला है, उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बता दें कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगातार लगी थी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम इस घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जो भागने के लिए प्रयोग हुई थी उसको बरामद किया गया। तत्पश्चात पुलिस की दबिशों के चलते इनके जो ससुर हैं एडवोकेट बलवीर सिंह, इनके द्वारा इसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। भारी दबाव के चलते पुलिस ने तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और कड़ाई से पूछताछ के लिए थाने ले गई है। वहीं अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते दाल सेव प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। शहर की सबसे प्रतिष्ठित दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगातार जुटी हुई। 10-15 मिनट पहले हमारे पास कॉल आई थी, बताया गया फूल चौराहे के पास एक दुकान में आग है, तो आगे पता लगा कुंजी लाल दाल सेब वाले हैं, इनकी दुकान में आग थी। फर्स्ट फ्लोर पे आग थी, इसमें गत्ते के जो डब्बे होते हैं वो रखे हुए थे, प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, उसी के बराबर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान जैसे सर्वर कुछ रखा हुआ था इस तरह का, तो उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। सर्किट से जो डब्बे थे गत्ते के उसमें आग लगी। तुरंत हमारी टीम ने आगे तुरंत ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पर जाके उसको आग को बुझा लिया। इनके द्वारा भी अपने एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाने की कोशिश की गई आग, वो नहीं बुझी उस टाइम पे, तो जब फायर सर्विस आ गई यहाँ पे तो तुरंत आग को बुझा दिया गया। खबर शाहजहाँपुर से, जहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में एजेंसी के स्वामी की ओर से शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर संतोख कौर ने बताया कि गुरु अर्जुन देव की सिखों के 5वें गुरु थे, जिनकी याद में हर साल की तरह इस साल भी उनकी याद प्रसाद के रूप में शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि शाहजहांपुर के टाउन हॉल स्थित सत करतार गैस एजेंसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।